पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने दो दिन पूछताछ की तो कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर चार दिनों तक आयकर विभाग की छापेमारी का दौर चला। जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई से हरियाणा का सियासी पारा गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं तो प्रॉपर्टी अटैच की खबरों को गलत बताया। वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच सरकार सही नियत से कराए तो कई बड़े घोटाले सामने आएंगे। कुछ केस राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हुए हैं और जो ये दो दिन से खबर आ रही है वो निराधार है और शरारतपूर्ण है, क्योंकि माने सर का तो कोई चर्चा नहीं, उसकी तो चार्जशीट हो चुकी है। मेरे को तो बयान देने गया था मैं जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं पंचकुला में उसके बारे में, तो लेकिन कुछ मीडिया में ऐसी निराधार खबरें छपी हैं जो कि फैक्चुअल गलत है। मैं तो एक पैसे की प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, कोई मुद्दा ही नहीं है वो तो। और दूसरा, इवन मैं तंदुरुस्त हूँ, किसी ने छाप दिया तो सेहत खराब होगी। अब आपके सामने तंदुरुस्त बैठा कि नहीं। हरियाणा में चुनाव आए हैं, फिर इसी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश है, बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है जिसकी पूरी निंदा भी करते हैं। और भाई चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, कोई और दूसरे प्रदेशों में हो, हम पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को जारी रखेगी। जिस हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा की इन्वेस्टिगेशन हुई, ये तो बहुत बड़ा घोटाला था। आज ये उठ रहे हैं तो मैं मानता हूँ हरियाणा को जो लूटा भूपेंद्र हुड्डा ने था, आज उसकी कहीं ना कहीं पोल खोलने लगी, कहीं ना कहीं तो बहुत छोटा सा अंश की इंक्वायरी हो रही है। अगर नियत से करें तो बहुत ऐसे पहलू हैं जिसको आज के दिन भी पब्लिक डोमेन में लाने का काम हरियाणा सरकार नहीं करती। हालांकि बीजेपी विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे जांच एजेंसियों की कार्रवाई बता रही है। इसमें राजनीतिक द्वेष कहाँ है? FIR दर्ज है और हमारे कोई राजनीतिक दुश्मन थोड़ी है। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के अब्बा जान मुख्यमंत्री रहे हैं 12 साल, ये सब हमारे मित्र हैं। कुलदीप बिश्नोई तो कल तक हमारे ही पास थे, तो ये कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये न्यायालय अपनी प्रक्रिया पूरी। बदले की कोई भावना नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भोले भाले किसानों की जमीन लूटने का काम किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है कि जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये तो एक मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया जो चल रही है और उसके अंदर जिसने भी कोई गड़बड़ किया है उसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा वार पलटवार का दौर यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।